माँ दुर्गा को बहुत अधिक पसंद है ये भोग। पहली नवरात्रि जरूर चढ़ाएं, वरना माँ की पूजा होगी अधूरी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, नवरात्रि शुरू हो गए हैं और माँ दुर्गा को घर लाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हमें नवरात्रि में माँ को कौन से भोग लगाने चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो माता को बहुत पसंद है, जिसका भोग लगाने से माता की कृपा आप पर बरसेगी। नवरात्रों के दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। उसी प्रकार इन 9 दिनों में माता के प्रति रूपों के अनुसार भोग लगाना होता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रों के दिनों में कौन सा भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा को घी का भोग लगाना चाहिए। इससे घर परिवार में कोई सदस्य बीमार हो तो उसकी सेहत स्वस्थ हो जाती है, रोगी को संकटों से मुक्ति मिलती और घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता को शक्कर का भोग लगाएं और शक्कर का दान करें, इससे व्यक्ति की आयु लंबी होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन दूध चढ़ाएं और दूध का दान करें, ऐसा करने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के चौथे दिन माता को मालपुए का भोग लगाएं और इसका दान करें, ऐसा करने से सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और नवरात्रि के पांचवे और छठे दिन केले और शहद का भोग लगाएं और इसका दान करें, ऐसा करने से परिवार में सुख संपत्ति बनी रहती है और घर में बरकत आती है और शहद का भोग लगाने से धन प्राप्ति होती है। नवरात्रि के सातवें दिन गुड़ की चीजों का भोग लगाएं और इसका दान करें, ऐसा करने से गरीबी दूर होती है और घर में कभी कंगाली का साया नहीं आता। नवरात्रि के आठवें दिन नारियल का भोग लगाएं और दान करें, इससे सुख संपत्ति हमेशा परिवार में बनी रहती है। नवरात्रि के नौवें दिन माता को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाएं और गरीबों में दान करें, इससे माँ दुर्गा की आप पर कृपा बनी रहेगी और जीवन में कभी परेशानी का सामना नहीं करना होगा। इसके अलावा 7 साल की कम उम्र की कन्या को भोजन कराएं, भोजन में खीर देते हैं तो माता की विशेष कृपा मिलती है। ये थी SM News रिपोर्ट।